नमस्कार, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं Samsung Galaxy F23 मोबाइल फोन के कैमरे के बारे में। जी हाँ, ये एक और वीडियो है। इसमें मैं बताऊंगा सेल्फी के बारे में कि सेल्फी कैमरा किस तरीके से काम करता है, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा पैनोरामिक व्यू, अगर पैनोरामा के थ्रू फोटोशूट करना हो तो वो कैसा दिखाई देगा। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और करते हैं सेल्फी से शुरुआत। तो सेल्फी लेने के लिए हमको फोटो मोड पे आना पड़ेगा, तो भैया हम फोटो मोड पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं दो चीजें हमें देखने को मिल रही है, एक आदमी जैसा बना और यहाँ पर दो आदमी जैसे बने। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमको यहाँ पर कोई ग्रुप सेल्फी लेनी हो तो हम इस पे ले लें। इस वक्त जिस लोकेशन पे हमें बादल छाए हुए हैं और लगभग 4:45 बज रहे हैं और इस वक्त मैं आप लोगों को यहाँ पर इस फोन से सेल्फी लेके दिखाता हूँ। अभी यहाँ देखिए पीछे एक गुफा जैसी सी दिख रही है ना, अंदर की तरफ एक दरवाजा है उसके अंदर जाने का। हाँ, ये तो मैं बताना भूल ही गया था कि अगर मैं इसे हाथ दिखाऊं तो ये सेल्फी ले लेता है। अरे बस करो। चलिए अभी अंदर वहां चलते हैं और वहां पर काफी अंधेरा है, वहां पर देखते हैं कि किस तरीके के रिजल्ट्स आएंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा उदाहरण है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा वाइड करता हूँ। और इधर पीछे जो है गंगा जी भी दिख रही हैं और इधर कुछ बिल्डिंग का पार्ट है ये भी दिखाई दे रहा है, और इधर जो अंधेरे की तरफ मैं खड़ा हूँ वो भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ कैसा रिजल्ट आएगा, अब बिल्कुल जो एकदम अंधेरा है वहां पर कैसा रिजल्ट आएगा। तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो तो वहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ये एक्सपोजर को सेट कर रहा है, लेकिन कलर्स वगैरह कुछ ज़्यादा ड्रामेटिकली पॉप कर रहा है। तो अभी पीछे ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है और मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस है। आहा, फोटो तो सही आया है। तो जो स्क्रीन पे दिख रहा है और जो रिजल्ट आ रहा है उसमें काफ़ी फ़र्क है। तो स्क्रीन पर अगर हम देख करके ये मान लें कि भैया हमारी फ़ोटो बहुत डार्क आने वाली है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हो। देखिए इसने काफ़ी हद तक जो अपना HDR वगैरह जो भी इम्प्लीमेंट किया होगा उसके बाद ये रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। अभी यहाँ हम देख सकते हैं कि डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, वो मेरे फेस पर अगर आए तो कैसा रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर सेल्फी में ऊपर की तरफ देखें जादू की छड़ी दी गई है, इसको मैंने यहाँ पर फेस पे जा कर के इंटेंसिटी इसकी जो है ये रखी हुई है 2 नंबर पे, ऑटो पे है। तो इसकी इंटेंसिटी को ऑफ करके और ऑन करते हैं तो ये ऑटो पे आ जाती है, और अगर इसको वापस से करते हैं तो ये ऑन हो जाती है। तो ऑन करने पर यहाँ पर अगर हम इसकी स्मूथनेस फुल कर दें और इसकी टोन, और इसके बाद ये जॉ लाइन है जो इसको भी पूरा बढ़ा दें, और ये आई शेप जो है इसको भी बढ़ा दें, तो बहुत ड्रामेटिक और बिल्कुल ही बदल जाएगी हमारी। जो जादू किया वो बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं अगर हम इसे ऑफ़ कर दें तो कैसा होता है। ऑटो पे करने के बाद तो ये ऑफ वाला है और इसमें आप मेरा फेस देख सकते हो, काफ़ी गोल गोल है। इसमें देखिए थोड़ा सा स्मूथ स्किन जो है प्लास्टिक की लग रही है, बिल्कुल ही नकली। यहाँ पर इसने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक की भी नहीं लग रहा है, काफ़ी नेचुरल लग रहा है। और वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे जो फिल्टर्स दिए गए हैं वो भी हैं, और इनके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पर कि फ़िल्टर्स के बारे में बताया है, उसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप वहाँ जा करके देख सकते हो। तो पैनोरामा में जाने के लिए हमको जाना होगा मोर में, मोर में जाने के बाद यहाँ हमें देखने को मिल जाता है पैनोरामा। अब ये कह रहा है भैया राइट या लेफ्ट घुमा लो बटन दबाने के बाद, तो हम ये लीजिए बटन दबा देते हैं और इधर लेफ्ट की तरफ जाते हैं। ये मेरे पिताजी यहाँ पर बैठे हुए हैं मेरी हेल्प करने के लिए, यहाँ पर मेरे साथ आए हुए हैं। तो रिज़ल्ट देखने में तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जो पिताजी का चेहरा है वो थोड़ा सा इसने ठीक से नहीं किया है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि कोई भी ह्यूमन सब्जेक्ट बीच में ना हो वो अवॉइड करें, हो सकता है वो सही भी आ जाए, ज़रूरी नहीं है, बट अगर अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी वापस से एक और पैनोरामिक शॉट लेके देखता हूँ मैं। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर देखने को लग रहा है, कितना गज़ब का रिज़ल्ट आया है इसका, ये पैनोरामिक व्यू जो है, और यहाँ पर कोई भी ह्यूमन सब्जेक्ट नहीं है तो उसने बहुत अच्छे से इसको स्टिच किया है। और अभी हम इसको 1x पे भी लेके एक देख लेते हैं। ओहो, 1x पे तो भैया लाजवाब मज़ा आ गया, क्या बात है, वाह ये तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया, मज़ा आ गया भाई। तो यहाँ पर देखिए नीचे पोर्ट्रेट लिखा हुआ है, अभी ये सेल्फी मोड पे है, तो सेल्फी मोड पे पोर्ट्रेट किस तरीके का आएगा वो हम देख लेते हैं। थोड़ा सा वाइड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ये इंटेंसिटी इफेक्ट्स वगैरह की दिखा रहा है कि कितनी स्ट्रेंथ रखनी है, तो अगर हम इसको कम करते हैं और मीडियम रखते हैं तो कैसा आएगा, 3 नंबर पे देखते हैं। अभी एकदम फुल कर देते हैं 7 नंबर पे। अब यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड मेन कैमरे पे, तो भैया अगर मेन कैमरे पे मैं डालूंगा तो मुझे कोई सब्जेक्ट चाहिए होगा, और यहाँ पर मेरे पिताजी आए हुए हैं मेरी हेल्प करने के लिए, तो चलिए उनके साथ पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हैं। तो मैं इसे स्विच करता हूँ, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भगवान शिव जी का शिवलिंग है, और यहाँ पर
अगर हमें कुछ फोटो लेनी हो इस तरीके की पोर्ट्रेट फुल पे करने के बाद 7 पे, तो किस तरीके का रिजल्ट आएगा। यहाँ पर इसने कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से तो कुछ रिजल्ट आया नहीं है। बैकग्राउंड जरूर इसने काफ़ी दूर का ब्लर किया, लेकिन अंदर अंदर का और इधर नहीं, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही टफ सिचुएशन दी थी कि यहाँ पे बहुत ही सारा कॉन्ट्रास्ट है और फेस भी जो है वो मर्ज हो जा रहा है पीछे पिलर की कलर्स के साथ। तो अब थोड़ा सा इसको नेचुरल सिचुएशन में लेके आते हैं, इतना ड्रामेटिक देंगे तो फोन झेल ही नहीं पा रहा है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फेस काफ़ी क्लियर है और पीछे का बैकग्राउंड वगैरह सब जो है वो यहीं पर हमें ब्लर दिख रहा है। ये हुई ना कुछ बात, यहाँ पर जो है पोर्ट्रेट इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त आया। ये एक लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है, यहाँ अगर हम देखें तो पीछे एक बहुत ही पुराना सा दरवाज़ा है और ये एक बेंच है बहुत पुरानी सी। फ्रंट में भी इसका मैं ये ले लेता हूँ हैंडल और पीछे बैकग्राउंड में, तो क्या फ्रंट ब्लर होता है? नहीं, फ्रंट इसने ब्लर नहीं किया, लेकिन हाँ बैकग्राउंड को काफ़ी अच्छे से ब्लर किया है। ऑप्शन भी देता है कि बैकग्राउंड इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ये ब्लर था, फिर यहाँ पर इसने स्टूडियो का कुछ तो इफेक्ट दिया हुआ है, फिर उसके बाद ये क्या है यहाँ पर, ओ अरे बाप रे बाप, ये तो बड़े कारम काटी है भाई। फिर ये अरे क्या बात है, ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें दी हुई हैं। फिर ये कलर पॉइंट पोर्ट्रेट है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब ये स्पिन क्या है, ओहो, और ये जूम, ओ क्या बात है, इफेक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं इसके। ये देखिए पीछे वो डेप्थ में जो गंगा जी के पीछे की तरफ जो खेत रहते हैं वो कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, हालांकि वो ब्लर हैं क्योंकि पोर्ट्रेट मोड है। मुझे ये देख करके इतना अच्छा लग रहा है कि एक बजट रेंज का मोबाइल फ़ोन है ये, और उसमें जिस तरीके के फीचर्स दिए गए हैं, ओहो क्लासी ज़बरदस्त, मज़ा आ गया देख करके। कोई कहेगा ये एक बजट मोबाइल फ़ोन है, मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। तो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में एक और चीज़ है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो है लाइटिंग। अब ये लाइटिंग क्या भला है, तो जैसे कि यहाँ पर ये एक फोटोग्राफ है, इस पर हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ नीचे लिखाएगा चेंज बैकग्राउंड इफेक्ट्स, तो यहाँ आ जाते हैं और ये लाइटिंग हमको मिलती है या तो स्टूडियो में और या कि बाकी के जितने भी मोड्स हैं उनमें। तो अभी यहाँ जैसे स्टूडियो पे है, तो अगर मैं यहाँ पर लाइट पर सेलेक्ट करता हूँ ये एक गोला बन के आ जाता है। तो अगर मुझे ये फेस के ऊपर थोड़ी सी लाइट इन्हेंस करनी है, तो मैं इस गोले को अगर फेस के ऊपर रखूँगा, और जैसे मैंने फेस पे रखा, और इसके बाद मैं अगर यहाँ पर देखिए मैं लाइट बढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पे लाइट का एक इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। इसी तरह से अगर हमने कोई और मोड सेलेक्ट किया है, तो और यहाँ पे हमको ये लाइट चेंज करनी है, तो हम यहाँ पर भी लाइटिंग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसका इफेक्ट बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि कितना अलग तरीके का इफेक्ट निकल के आ रहा है यहाँ पे। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने जाना कि सेल्फी कैमरा इसका बहुत ज़्यादा अच्छा तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो भी रिजल्ट्स आए वो बहुत ही अच्छे थे, और भैया पोर्ट्रेट फोटोग्राफी ने तो कमाल ही कर दिया। मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में इतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, और भैया पैनोरामिक व्यू वो तो आपने देख ही लिया, क्या ज़बरदस्त क्वालिटी आई थी। तो यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे लगे लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहता हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।